महोत्सव की शुरुआत हो रही है उनके कर कमलों के द्वारा। एक बार हम लोग सब ताली बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे। लोग स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। अगर स्वच्छता को हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या का अंग बनाएगा तभी हम उसका परिणाम दे पाएंगे, और उसके लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया है। 12 तारीख को आगरा में रैली निकालेंगे, 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता करेंगे, आपके वार्ड में कितनी सफाई है, किस स्तर की सफाई है और किन किन लोगों ने उसमें हिस्सा लेके बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया। स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों के माध्यम से हम चाहते हैं पूरा आगरा साफ हो, सभी नगर पंचायतें, सभी नगर पालिका परिषद में ये अभियान चले। और जो हमारा राष्ट्रीय रैंकिंग है, जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में शुरू होगा 4 जनवरी से, उसमें उत्तर प्रदेश के अभी तक केवल 3 जिले सम्मानित हुए थे, गाजियाबाद, अलीगढ़ और समसर। और इस वर्ष चाहते हैं कि एक बेहतर प्रदर्शन सभी लोगों के सहयोग से हो ताकि हम उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकें, हमारा स्तर बेहतर हो। साथ ही साथ आगरा के पानी की समस्या हमको मालूम है, 10-15 दिन में आपके सामने बहुत बड़ा परिणाम आने जाला है, सिकंदरा की तरफ से आपको जानकारी होगी भी, और हमने उसमें बहुत रुचि ली है। फिरोजाबाद के भी जो समस्या थी उसको भी दूर किया, और आगरा की करने जा रहे हैं नेक्स्ट फोर्ट नाइट में आपको ये देखने को मिलेगा। साथ ही अभी आपको 74वें संशोधन की जानकारी भी नहीं है, 74वें संशोधन से आधे से ज्यादा चीजें हम उसमें दे चुके हैं। मंत्री जी, आगरा में मेरा एक सवाल है, आगरा में गंगा जल परियोजना में घोटाला हुआ और यहाँ MNT में घोटाला हुआ, आप कितने सारे घोटाले हो रहे हैं? आप दे दीजिए, हम उसमें जाँच करवा देंगे।